नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। अप्रैल की शुरुआत में बारिश के चलते मौसम सुहाना बना हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में पहुंच रहा है, जिसके चलते अगले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी तूफान का सिलसिला बना रह सकता है। 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश और ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 3 से 5 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 3 और 4 अप्रैल को गरज के साथ बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में 3 अप्रैल को बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। इसके साथ ही बारिश के चलते भी आसार है, जिसके चलते तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है। इसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते तापमान में भी वृद्धि होगी। उत्तर पश्चिमी भारत के अलग अलग इलाकों जैसे कि राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3-4 अप्रैल को हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में 3 और 4 अप्रैल को ओले गिरने की आशंका है, जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 3 अप्रैल को ओलावृष्टि हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक सोमवार यानी कि 3 अप्रैल यानी कि आज राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली एनसीआर के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। पंजाब, हरियाणा के कई हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, कुछ जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश और ओले को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत में 5 अप्रैल तक अधिकांश इलाकों में आंधी तूफान और गरज के साथ बारिश होगी। पूर्वोत्तर के साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 5 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है, उसके बाद बदलाव देखा जाएगा। देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। अगले 5 दिनों के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में इसके सामान्य से लगभग सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की संभावना नहीं है। मौसम से जुड़ी हर ताजा जानकारी हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।